और बुलेटिन की शुरुआत में अहम खबर। कांग्रेस जेडीएस सरकार का फ्लोर टेस्ट। कांग्रेस जेडीएस सरकार का फ्लोर टेस्ट की अब हम कुछ देर में तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, जहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा विधानसभा के 2 किलोमीटर दायरे तक धारा 144 लागू है। इस बीच सीएम कुमार स्वामी पेश करेंगे विश्वास मत। कर्नाटक विधानसभा पहुंचे हैं बीएस येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी के पतावर लीडर हैं। बीजेपी विधायक भी पहुंचे हैं कर्नाटक विधानसभा। महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच आंकड़ों के गणित को, नंबर गेम को समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आज इसी के जरिए कुमार स्वामी के भाग्य का फैसला होना है। उनकी सरकार के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसका किस तरीके से पटाक्षेप होता है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। सबकी निगाहें टिकी हुई है, और खासकर कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की जिसके पास गिनती के राज्य हैं और उसमें भी फसलने की कागार पे है कर्नाटका, जहां पे 224 विधानसभा सीटें, लेकिन माइनस आप 16 कर दीजिए, हालांकि 15 बागी ऐसे हैं, एक को मना लिया गया है, 16वां बागी विधायक जो है वो मान चुके हैं। शिव कुमार की बड़ी भूमिका है, संकट मोचक कहा जाता रहा है अभी तक, लेकिन क्या एक बार फिर से उनकी रणनीति कांग्रेस पार्टी के फेवर में, जेडीएस के फेवर में रहने वाली है, ये सवाल मौजूद है सबके दिमाग में। इस वक्त यही चल रहा है कि क्या होगा कर्नाटका का अगला भविष्य क्या है। इस बीच येदियुरप्पा ने पहले ही दावा ठोक दिया था कि फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे कुमार स्वामी। इस बीच संविधान से ज्यादा साईं बाबा के कसम को मान रहे हैं वो 15 विधायक जिनको संजीवनी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस लिहाज से कि उनके ऊपर व्हिप लागू नहीं हो सकता है, उनकी इच्छा के ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है कि वो सदन की कार्यवाही के दौरान, फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद रहें या फिर नहीं रहें। इस बीच कुमार स्वामी की बहुत ही विश्वस्त जो चेहरा है वो मान मनोबल की आखिरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि अभी भी कुछ गुंजाइश बची हो और सरकार को डावाडोल स्थिति में जो सरकार है उसको बचा ले। लेकिन इस बीच मैं जिक्र कर रही थी उस आंकड़े का जिसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। तो अगर 16 माइनस कर दिया जाए 224 में, फिलहाल जो विधानसभा में आंकड़ा पहुंचेगा वो 208, और एक स्थिति ये भी है कि अब 208 के आधार पर तय होगा कि कौन जादुई आंकड़े को छूता है, कौन विश्वास मत हासिल करता है। इस बीच 105 पहले से ही बीजेपी के पास आंकड़ा था, 119 के साथ, 119 विधायकों के साथ कुमार स्वामी ने सरकार गठन किया, लेकिन एक बार नहीं बल्कि कई बार डगमगाने वाली स्थिति बन गई। और इस बार की अगर हम बात करें तो बात ज्यादा बिगड़ गई, स्पीकर रमेश कुमार के पाले से भी गेंद निकल गई और सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद क्या कुछ हुआ, इस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है बाकी विधायकों को कि आपके ऊपर व्हिप लागू नहीं होगा, या आपकी सुरक्षा के ऊपर निर्भर करता है कि आप सदन में मौजूद रहें या फिर नहीं रहें। लेकिन इस बीच हम कर्नाटक के गणित को आपके सामने रख रहे हैं, और इस बीच हमारी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पूरे देश की निगाहें इस वक्त कर्नाटका पे कि क्या ये राज्य भी कांग्रेस पार्टी के हाथों से फिसलने जा रहा है। सबके जहन में सवाल यही है, क्योंकि जितनी भी स्थितियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के विपरीत ही है। बिल्कुल, देखिए कर्नाटक की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा दिन है, और ऐसे में मुख्यमंत्री कुमार स्वामी विश्वास मत हासिल करें उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीनों दलों ने व्हिप भी जारी कर दिया है, बीजेपी के मुताबिक व्हिप नहीं होगा बागियों पर लागू। देखिए तमाम चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं कि विधायकों ने कसम, बीजेपी ने कसम दिलाई है साईं बाबा की, तमाम चीजें यहाँ पर है। अब देखिए कांग्रेस का मानना है कि बागियों ने सदन न आने के आने से इज्जत नहीं की है, और ऐसे में व्हिप होगा लागू तो अयोग्य करार दिए जाने की मांग होगी। सबकी निगाहें स्पीकर पर है, स्पीकर क्या निर्णय लेते हैं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है सदन में, शुरुआत में बागियों पर फैसला घोषणा, तमाम चीजें यहाँ देखना होगा।
कि एक और कोशिश यहाँ पर जो कुमार स्वामी है वो करेंगे अपनी सरकार को बचाने को लेकर। और ये तमाम नजारे यहाँ पर देखने को होगा कि बागियों का क्या रुख रहता है ये तो फ्लोर टेस्ट के दौरान। अदिति, इस बीच कर्नाटका पे हमारी निगाह है, वहाँ के तमाम समीकरण से हम अपने दर्शकों को वाकिफ करा रहे हैं, लेकिन जानना इस वक्त ये भी जरूरी है कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने उस वक्त भी अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी जब गुलाम नबी आजाद सरीखे बड़े लीडर वहां पहुंचे, बहुत हद तक कोशिश की, लेकिन आज शक्ति परीक्षण का दिन है, आज फ्लोर टेस्ट करने का दिन है, तो आखिरी गुंजाइश क्या बचती है कांग्रेस पार्टी के पास? ये पूरा एक नेटवर्क। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी से, लेकिन इस बीच हम ये भी आप तक पहुंचाएंगे खबर अंदर खाने, कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी में जिसका बड़ा चेहरा इस वक्त कोई नहीं है, राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, कोशिश अभी तक यही की जा रही है कि कोई बड़ा चेहरा, कोई ऐसा चेहरा चुन लिया जाए जो सर्वमान्य हो, जो सबको स्वीकार हो।